क्या हो रहा है नीतीश के राज में, आज हम जनता को बताने के लिए धरना पे बैठे हैं और चूरन मांझी जी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जितने भी एक हरदी मोड़ में भी बलात्कार की घटनाएं हुई थी वहां पे दो लड़कियों के साथ, वहां पर भी कोई भी सरकार के तरफ से बिल्कुल अनदेखी कर दी गई है उस केस को। उस केस में कुछ भी नहीं हुआ है, ना किसी की अरेस्टिंग हुई है, ना ही उन्हें मुआवजा मिला है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग धरना पे बैठे हैं और बढ़ते अपराध को हम लोग जब तक नीतीश कुमार जी इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर वो कंट्रोल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी के अभी वो इस्तीफा दें, इसीलिए आज हम लोग धरना पे बनती है। आप ये सोच के देखिए ना कि जो आप लोजपा के चिराग की बात कर रहे हैं, वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, सोने के पलंग पर सोए, उनको क्या पता कि गरीबी क्या होती है। यह गांव का देश है भारत, और जमुई के वो सांसद हैं, और आज जमुई में आप दलित और महादलित बस्तियों में जाकर देख लीजिए कि हमारे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, पेट में भूख से तरप है। उस भूख को चिराग पासवान नहीं समझ सकते हैं। यहाँ की जनता को तो चाहिए था कि उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। वो जितना विकास के नारे नरेंद्र मोदी के साथ लगा रहे हैं, उस मुझे नहीं लगता है कि चिराग की रोशनी किसी भी गांव के घर में पहुंची है। ये धरना देकर हम अपने जनता को भी जगा रहे हैं और प्रशासन को भी आगाह कर रहे हैं कि अगर इस तरह के गरीबों के साथ घटनाएं होती हैं तो प्रशासन सजग रहे। प्रशासन अगर नीतीश कुमार और चिराग जी के गुलाम की तरह काम करते हैं तो उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जहां तक राम मंदिर और आरक्षण का मुद्दा है तो आप जानते हैं कि जनता से इन दोनों बातों से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये एक तरफ सरकारी नौकरियां छीन रहे हैं, दूसरी तरफ आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को और कुछ भी नहीं है। वो युवाओं से कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और आज कह रहे हैं युवाओं, देश के युवाओं, तुम पकौड़ा तलो और हम बैठकर चाय पकौड़ा खाएंगे। यही है नरेंद्र मोदी का।